और दोस्तों वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बजट कैटेगरी में फेस्टिव सीजन के परफ्यूम्स के बारे में। तो शुरू करेंगे ये वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो गाइस इस वीडियो में जितने भी हमने फ्रेग्रेंसेस रखे हैं ये सारे ही काफ़ी अच्छे फ्रेग्रेंसेस हैं। कुछ अलग अलग कैटेगरी के फ्रेग्रेंसेस हैं तो आप अपने स्मेल चॉइस के हिसाब से इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं और सारे ही 500 रुपये के रेंज में, मोस्टली 500 के अंदर है। तो नंबर 5th पे हमने रखा है पार्क एवेन्यू की तरफ से, पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग एटर्निटी का जो EDP है, जो परफ्यूम वर्जन है, ये मैंने रिसेंटली लिया था। जैसे मैंने एक वीडियो में कहा है, काफ़ी ज़्यादा ये फ्रेगरेंस का स्मेल अगर हम कहें तो एक स्वीट कैटेगरी का फ्रेगरेंस है। पार्क एवेन्यू गुड मॉर्निंग में भी हमें डिओड्रेंट वाले में भी हमें स्वीटनेस मिलता है, मगर फ्रेशनेस के साथ स्वीटनेस मिलता है। एटर्निटी वाला जो परफ्यूम है ये कम्प्लीटली एक स्ट्रॉन्ग, एक काफ़ी गाढ़ा स्वीट जैसा है, वैसा किस्म का हमें फ्रेगरेंस मिल जाता है। प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये 50 ml वाला बॉटल जो है ये हमें करीब 300 रुपये के आसपास मिल जाता है। पैकेजिंग भी मुझे काफ़ी सुंदर लगी है इसकी और इसमें जो MRP है वो 349 की दी गई है, मगर ऑनलाइन हमें 300 के आसपास ये जो पैकेज है ये मिल जाता है। अगला जो फ्रेग्रेंस है गाइस वो है बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से मायामी। मायामी जो है मैंने जो कुछ रीसेंट फ्रेग्रेंसेस मंगाए हैं उसमें से मैंने ये भी मंगाया है, तो मायामी से मुझे लास्टिंग काफ़ी बढ़िया मिली है और ये जो फ्रेग्रेंस है फेस्टिव सीजन के हिसाब से काफ़ी अच्छा भी जाता है। एक स्वीट फ्रेग्रेंस है मगर काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी है, तो एक फ्रेश सी सॉल्ट वाइब जो कि बेस में जाके टोंकबीन के स्वीटनेस के साथ थोड़े वैनिला के एसेंस के साथ हमें देखने मिलता है। लास्टिंग हमें अच्छी खासी देखने मिल जाती है, प्रोजेक्शन भी हमें अच्छा देखने मिलता है। ये फ्रेग्रेंस का जो 100 ml का बॉटल है ये करीब हमें 599 रुपीस के आसपास देखने मिलता है। आप छोटा वाला भी बॉटल ले सकते हैं और 100 ml तो हमें 599 में मिल जाता है। अगला जो फ्रेग्रेंस है वो हमने रखा है पार्क एवेन्यू की तरफ से, पार्क एवेन्यू हार्मनी। हार्मनी जो है ये मैं काफ़ी समय से इस्तेमाल कर रहा हूँ, काफ़ी एक प्रीमियम कैटेगरी का फ्रेग्रेंस है। इस कैटेगरी में जो हमें दूसरे भी फ्रेग्रेंसेस मिल जाते हैं पार्क एवेन्यू के, जैसे कि कॉन्कर हो गया, पार्क एवेन्यू यूफोरिया हो गया, ये सारे ही हमें काफ़ी प्रीमियम देखने मिलते हैं। हार्मनी जो है ये हमें डियोर सवाज का क्लोन देखने मिलता है, वही हमें पूरा एसेंस देखने मिलता है, एम्ब्रोक्सिन का काफ़ी बढ़िया वाइब देखने मिलता है। प्रीमियम कैटेगरी का है, जैसे डियोर सवाज एक काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मास अपीलिंग फ्रेग्रेंस है, वैसे ही बजट कैटेगरी में पार्क एवेन्यू हार्मनी को बनाया गया है। मेरे ख्याल से फेस्टिव सीजन के लिए अगर आप ट्रेडिशनल पहन रहे हो या कैजुअल पहन रहे हो तो उसके लिए ओवरऑल हार्मनी जो है एक काफ़ी बढ़िया चॉइस हो जाएगा। प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो करीब 350 से लेकर 400 में हमें जो 50 ml वाला है वो तो 360 के आसपास मिल जाता है, 100 ml वाला भी काफी बजट में ही हमें करीब 500 के आसपास देखने मिलता है। अगला जो फ्रेग्रेंस हमने फेस्टिव सीजन के लिए रखा है वो है द मैन कंपनी की तरफ से FRS। अगर आप बजट में थोड़ा सा आगे जा सकते हैं तो मुझे लगता है जेन्युइनली FRS जो है ये काफ़ी बढ़िया हमें वैल्यू फॉर मनी मिल जाता है, क्योंकि इसमें क्वालिटी काफ़ी बढ़िया मिलती है। इसके स्मेल के बारे में अगर हम बात करें तो एक काफ़ी ब्यूटीफुली एक सेंशुअल फ्रेग्रेंस को एक एरोमेटिक और एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस के साथ मिक्स किया गया है। एक प्रीमियम स्मेलिंग फ्रेग्रेंस है, ड्राई डाउन में थोड़ा सा पाउडरी हो जाता है, मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो काफ़ी महंगा फ्रेग्रेंस जैसा ये स्मेल करता है। ब्लेंड ऑफ नोट्स मुझे इसमें काफ़ी अच्छे लगते हैं, जैसे कि सिनेमन हो गया, कार्डमम हो गया, तो स्पाइसीनेस के साथ एक सेंशुअल वाइब देने की कोशिश की है और स्मेल से ही हमें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वाइब आ जाती है। प्राइस के बारे में बात करें तो करीब 195 के आसपास, 200 रुपीज़ में ही ये बॉटल आ जाता है, तो 30 ml की क्वांटिटी 200 रुपये के आसपास मिलती है। प्राइस में थोड़ा सा ज़्यादा है मगर उसी किस्म के हमें क्वालिटी देखने मिलती है। तो गाइस नंबर 1 पे हमने रखा है फॉग की तरफ से एक्सट्रीमो और फॉग ओरिएंटल एक्सट्रीम। ओरिएंटल एक्सट्रीम जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का फ्रेग्रेंस है। ओरिएंटल नाम से आपको पता चल रहा होगा कि एक थोड़ा सा स्वीट कैटेगरी का प्लस काफ़ी ज़्यादा स्पाइसेस से भरा हुआ, थोड़ा सा एम्बरी हमको वाइब मिल जाता है, थोड़ा सा वुडी एसेंस मिल जाता है। तो ओरिएंटल एक्सट्रीम जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, प्रोजेक्शन भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेस्टिव सीजन में कोई ऐसा फ्रेग्रेंस होना चाहिए जो कि लास्ट बहुत ज़्यादा करे। ओपन एनवायरनमेंट में अगर आप जा रहे
तो हाई प्रोजेक्शन वाला कोई एक ऐसा फ्रेग्रेंस हो, मगर अगर आपको कोई स्ट्रॉन्ग जो है फ्रेग्रेंस उसके अलावा अगर आप कुछ देखना चाहते हैं जो कि इक्वली लॉन्ग लास्टिंग हो और काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट स्मेलिंग हो, तो आपके लिए एक्सट्रीमो एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चॉइस हो जाएगा। तो फ्रेश कैटेगरी का फ्रेग्रेंस हमें एक्सट्रीमो मिल जाता है, फ्रेश होने के बावजूद काफ़ी बढ़िया हमें एक्सट्रीमो से लास्टिंग मिलती है। तो उतना ज़्यादा अगर आप एक स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस नहीं लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक्सट्रीमो एक बढ़िया चॉइस हो जाएगा। हालांकि दोनों ही अपने अपने कैटेगरी में काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करते हैं, प्रोजेक्शन हमें काफ़ी ज़्यादा मिलती है और फेस्टिव सीजन के हिसाब से मुझे दोनों ही काफ़ी बढ़िया चॉइस लगते हैं। प्राइस के बारे में अगर हम बात करें तो ओरिएंटल एक्सट्रीम हमें करीब 450 के अंदर 439 के आसपास ये 100 ml वाला बॉटल मिल जाता है और एक्सट्रीमो जो है हमको करीब 580-590 के आसपास मिल जाता है। पावरफुल फ्रेग्रेंस अगर आप एक देख रहे हैं हाई प्रोजेक्टिंग लॉन्ग लास्टिंग तो ओरिएंटल एक्सट्रीम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रेश कैटेगरी में फॉग एक्सट्रीमो जो है ये काफ़ी बढ़िया चॉइस हो जाएगा, दोनों ही फेस्टिव सीजन के लिए काफ़ी अच्छे है। तो गाइज ये था आज का वीडियो टॉप 5 फेस्टिव सीजन परफ्यूम्स के बारे में। इस वीडियो में हमने कोशिश किया है कि आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिल सके, लॉन्ग लास्टिंग हाई प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंसेस हमने रखने की कोशिश की है। इनमें हमने कुछ स्वीट फ्रेग्रेंसेस रखे, कुछ ब्लू कैटेगरी के फ्रेश हो गए, कुछ एरोमेटिक वाइब के फ्रेग्रेंसेस हो गए। तो हर किस्म के फ्रेग्रेंसेस जो कि फेस्टिव सीजन में अच्छा काम करे ऐसा हमने रखने की कोशिश की है। इनमें से अगर आप किसी को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं, या आप इनमें से कोई एक फ्रेग्रेंस लेने का प्लान कर रहे हैं तो हम लिंक कोशिश करेंगे कि डिस्क्रिप्शन में दे दें। तो यही था आज का वीडियो, कैसा लगा आज का वीडियो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंसेस से रिलेटेड इंटरेस्टिंग नए नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।